नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 8 आ चुका है। यूपी ट्रिपल सी का पीटी देने जा रहा हूँ, यूपी पुलिस देने जा रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, रेलवे एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेट्समैन ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी या फिर आप एएलपी, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 100% जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें डिटेल भी आपको बताते रहते हैं जिससे कि और भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते रहें। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, घोड़ा द्वारा खींचा गया जो है गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का दोस्तों एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूटन का तीसरा जो गति का नियम है और इससे जो रिलेटेड, जैसे कि आपके इसमें रॉकेट का ऊपर उड़ना होता है तो नीचे से धुआं छोड़ता है, और क्या होता है बंदूक के चलने पर पीछे जो है ऐसे बंदूक चलाएंगे तो पीछे झटका देता है, और सब चीज़ें हैं जो अब से तीसरे नियम से संबंधित है। न्यूटन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखा प्रिंसिपिया, क्या प्रिंसिपिया, याद रखिएगा बहुत बार जो है एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। क्या याद रखेंगे प्रिंसिपिया में दोस्तों इसने कुछ बताया है, क्या बताया, इसमें बताया दोस्तों कि जो तीनों नियम है इसका अगर आप मतलब बात करें कि कहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, तो गति के जो तीन नियम इसने बताए उसमें से दोस्तों तृतीय नियम ये वाला आपका जो है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी पर काम करेगा। साथ साथ मैंने आपको बता दिया दोस्तों जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, रॉकेट का उड़ना, नाव, अच्छा नाव में भी अगर आप दोस्तों जो है बैठे हैं और इससे उतरेंगे ना तो पीछे का धक्का देंगे, नाव पीछे जाने लगता है, या फिर चलाता भी है तो पीछे की ऐसे डंडे की तरफ ढकेलता है तो ये भी इधर जाता है, ठीक है। ओम का जो दोस्तों सिद्धांत है वो प्रतिरोध से है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते ही हैं, जितना जो कोई वस्तु जो है उसको हटा पाएगा, उत्प्लावन बल और रिलेटेड है यहाँ पर, मतलब पानी में तैरने का जो नियम है वही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगर कोई वस्तु जो है अपने वजन के बराबर पानी को हटा देता है, विक्षेपित कर देता है, तो वो तैरेगा, नहीं हटा पाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रैकोमा नामक जो बीमारी है वो दोस्तों शरीर के निम्न में से कौन से अंग को दोस्तों प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है, यानी कौन से अंग पर दोस्तों प्रभाव डालती है ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा दोस्तों होती है आंखों में, और इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों कॉर्निया में वृद्धि हो जाता है या फिर कॉर्निया बढ़ जाता है, ठीक है। और दोस्तों इससे बचने के लिए दोस्तों जो है पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिलिन आदि जो है दोस्तों माइसिटिन दोस्तों जो है ये आपका दिया जाता है दवा, ठीक है। बाकी आप क्षय रोग जानते हैं, फेफड़ा संबंधित है, दांत पैरिया में हो जा, मतलब दांत में पैरिया हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सी गैस या किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दोस्तों जो है CO2 की ज़रूरत होती है, ठीक है, और यहाँ पर जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गैस पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा, और इसको लेकर के पौधे जो है O2 छोड़ते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। खाना बनाते हैं, कह लीजिए प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पानी में क्लोरीन की गोलियां या और क्या मिलाकर के क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो देखिए क्लोरीन है, इसी से बना है क्लोरीनीकरण। तो दोस्तों ये दोस्तों एक तो क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं पानी को साफ करने के लिए, एक दोस्तों जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस वृक्ष या फिर पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है तुलसी माता है, सबके आंगन में मिलती हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसी माता या फिर तुलसी का पौधा, ठीक है। ये दोस्तों आयुर्वेद में दोस्तों इनको संजीवनी बूटी के समान माना जाता है, और इनका वैज्ञानिक नाम है क्या है, ओसीमस, याद रखेंगे ओसीमस सेक्टम या फिर ओसीमस टेन्यू फ्लोरम, ठीक है, याद रखिएगा टेन्यू फ्लोरम, ठीक है, ओसीमस सेक्टम या फिर ओसीमस टेन्यू फ्लोरम, ये तुलसी माता का या फिर कहेंगे तुलसी के पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों जो है 2022 का पूछा जा रहा है कि खिताब किसने जीता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सौराष्ट्र ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बंगाल को पराजित करके, वेस्ट बंगाल या फिर बंगाल को कह लीजिए, पराजित करके जो है सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए दोस्तों जो है ये जो राज्य है वह है कर्नाटक, इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से फसल बीमा योजना के लिए। जो दो ये जो शुभांकर या जो शुरू हुआ था वो फरवरी दोस्तों 2016 में ये स्टार्ट हुआ था, फसल जो है बीमा योजना, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो मिला हुआ है 2023 में कर्नाटक को मिला हुआ है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है यहाँ पर जो जीता है वो साउथ अफ्रीका ने जीता है, और दोस्तों जो है संपन्न भी आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, ठीक है। और जो दोस्तों यहाँ पर जो जीता है वो ये सेकंड ओपनर थे, यानी दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीता है, और संपन्न जो हुआ है वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, और जो जीता है वो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में दोस्तों जो है 19 रन से इन्हीं को हराया है, साउथ अफ्रीका को ही हराया है 19 रन से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। छठवीं बार ये जीता है, ठीक है, छठवीं बार जो है ऑस्ट्रेलिया फिर से जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने दोस्तों सम्मानित किया है प्रधानमंत्री जी को। पपुआ न्यू गिनी ने दोस्तों और फिजी दोनों देशों ने दोस्तों सम्मानित किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर करेंगे, ठीक है। पपुआ गिनी ने दोस्तों और जो फिजी दोनों ने सम्मानित किया। पपुआ गिनी दोस्तों जो है ये प्रशांत द्वीप देशों की एकता के कारण दोस्तों जो है ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की अहम भूमिका निभाने के लिए इनको जो है क्या दिया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, ऑफ लोगोहू, ठीक है, सम्मानित किया है। और फिजी ने दोस्तों जो है वो प्रधानमंत्री हैं इसके, राबुका ने दोस्तों जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, लोगोहू जो है पपुआ गिनी वाला है, और फिजी लास्ट में लग जाएगा आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो दोस्तों फिजी ने सम्मानित किया है, ठीक है। चलिए तो दोनों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। चलिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, प्रवासी भारतीय जो सम्मान 2023 है वो जीता है राज सुब्रमण्यम ने जी ने, ठीक है, सुब्रमण्यम जी ने जीता है, राज सुब्रमण्यम जी ने। ये कौन है, ये दोस्तों CEO हैं किसके, फेडेक्स कंपनी के दोस्तों जो है ये CEO हैं, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो 2003 से मनाया जा रहा है 9 जनवरी को, ठीक है। आप जानते हैं कौन आया था, जिनको पता है वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन आया था, ठीक है, अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता, तो 2023 में दोस्तों जो है वो जीता है ब्रेंडन फ्रेज़र को दोस्तों ये पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और ये ऑस्कर अवार्ड दोस्तों जो है 1929 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश कौन करेगा, तो ये दोस्तों जो मेजबानी देश करेगा वो है भारत, और 2023 में किसने किया है वो जापान ने किया है, और दोस्तों जो है जो बैठक हुई है वो 2023 में कहाँ हुई है, वो आपकी हिरोशिमा में, कहाँ पर, हिरोशिमा में दोस्तों ये हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वाड दोस्तों जो है क्वाड में 2000 जो औपचारिक इसकी स्थापना है वो 2017 में हुई है, और कौन कौन देश हैं वो याद रखेंगे, एक तो इंडिया है, उसके बाद दोस्तों जापान है, ठीक है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, यही आपके चार हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है, ठीक है, तो यही चार आपके हैं क्वाड में। चलिए 2024 वाला याद रखिएगा, भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, फिल्म फेयर पूछा जा रहा है, तो फिल्म फेयर जीता है राजकुमार राव ने जीता है, ठीक है। और फिल्म फेयर में दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का जो मतलब अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है वो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दोस्तों जो है आलिया भट्ट को मिला हुआ है,
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, किसको हरा करके? चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया, गुजरात टाइटंस को हराया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठित किया गया दोस्तों? तो ये जो है आपके लांबा जी हैं, ठीक है, अजय लांबा जी के दोस्तों जो है नेतृत्व में या फिर अध्यक्षता में दोस्तों जो है 3 जो है सदस्यीय समिति गठित किया गया। इसमें दोस्तों जो है हिमांशु शेखर दास जी हैं जो कि सेवानिवृत्त आईएएस हैं, हिमांशु शेखर दास जी, और आपके दोस्तों जो है आईएएस जो है सेवानिवृत्त एक और हैं आलोक प्रभाकर, ठीक है, आलोक प्रभाकर जी, ठीक है। ये लोग जो है सदस्य थे या सदस्य हैं, अभी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सब जब भी आए तो आप उत्तर प्रदेश मार सकते हैं, लेकिन संख्या याद रखिएगा। जैसे कि अब विधानसभा की सभा की जो संख्या है वो है 403, याद रखेंगे, ठीक है। अब परिषद, विधान परिषद की जब ये विधान ही रहेगा, ठीक है, परिषद की जब बात आएगी वो संख्या कितनी है? वो संख्या आपकी 100, ठीक है। गुजरात की दोस्तों जब पूछा जाएगा तो गुजरात की दोस्तों है 100, विधान सभा जब बात करेंगे तो 182, ठीक है। महाराष्ट्र की बात किया जाएगा तो विधानसभा की जब बात करेंगे महाराष्ट्र की तो 288 हो जाएगा, ठीक है, और परिषद की बात करेंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया तो उत्तर प्रदेश का 403 होता है, विधानसभा विधान परिषद 100 100। नेक्स्ट बात करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों जो है 1954 में, तो 54 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 55 में अवार्ड मिला है, किसको? 1954 में हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया हिम तरंगिनी के लिए, किसके लिए? हिम तरंगिनी के लिए। दोस्तों जो भी देखिए ये जो अवार्ड दिया जाता है साहित्य का, वो दोस्तों जो हमारी 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है, इन 22 भाषाओं के साथ साथ दो और भाषा, एक तो इंग्लिश और एक राजस्थानी, ठीक है, तो ये दो यानी कि 24 भाषाओं में आप कह सकते हैं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान का जो है राज नृत्य पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये साहित्य अकादमी 2022 वाला याद रखिएगा, बद्री नारायण जी को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान का राज नृत्य, तो वो है घूमर रे, गाना कई बार आपने सुना हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, और इसमें महिला जो है क्या करती हैं, नृत्य करती हैं गोल गोल घूम करके, और शुभ अवसर विवाह जैसे शुभ अवसर पर, ठीक है। और यहाँ पर जो कालबेलिया है ये 2010 में, कालबेलिया का दोस्तों जो है यूनेस्को ने दोस्तों क्या किया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है शामिल कर लिया है, ठीक है। कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है यक्षगान, याद रखेंगे। और नोंग क्रेम दोस्तों जो है वो है मेघालय का अति प्राचीन लोक नृत्य, ठीक है। और लॉयन एंड पीकॉक जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र का किस कृत्रिम रूप में से वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन है? देखिए इसमें पूछने का मतलब यह है कि पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम रूप से किससे जो है डिनोट कर सकते हैं या फिर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये दोस्तों जो है इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो 1935 में टांसले ने किया था, ठीक है, टांसले ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जो है इसमें जो तंत्र है इसको दो भाग में, पारिस्थितिक तंत्र को जो है दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक में बांट सकते हैं और एक कृत्रिम में बांट सकते हैं। अभी आप समझ जाएंगे, प्राकृतिक में जो है वो वन हो जाएंगे,
ठीक है, और जो भी मतलब प्रकृति से बना हुआ है, जो हम बना नहीं सकते, समुद्र, झील, ये सब, ठीक है। और जो आपका कृत्रिम हो जाएगा वो बगीचा, गार्डन, पार्क, ये सब जो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम की बात हो रही है, यहाँ पर गार्डन हो जाएगा, ठीक है। जो पारिस्थितिक विज्ञान है इसका केंद्र जो है बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों एक और एक 11 होते हैं मिल करके, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एक महिला और एक पुरुष मिल गए तो उसके 11 बच्चे हो गए, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो 11 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिएगा। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या है? शिक्षक दिवस, ठीक है। और जो 15 अगस्त को जानते हैं, स्वतंत्रता, और 2 जून को दोस्तों जो है तेलंगाना दिवस, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आगा खान दोस्तों जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खान दोस्तों जो है वो हॉकी से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के लिए दोस्तों जो पहला संगठित जो है क्लब है वो दोस्तों 1861 ईस्वी में स्थापित जो है ब्लैक हीथ, क्या नाम है? ब्लैक हीथ, ठीक है, ब्लैक हीथ एंड ए वी एंड क्लब दोस्तों जो है पहला यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है, ठीक है। हॉकी का पहला जो विश्व कप है वो दोस्तों 1971 ईस्वी में हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो भारत ने दोस्तों 1928 में ओलंपिक में दोस्तों जो है स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है या फिर गंगा जी बन जाती हैं? तो ये दोस्तों जो है ये जगह है देवप्रयाग। क्या जगह का नाम है? देवप्रयाग, ठीक है। गंगा नदी दोस्तों जो है उत्तरकाशी जिले में लगभग दोस्तों जो है 3900 मीटर की ऊंचाई पर जो है गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर जो है सतोपंथ हिमानी यानी कि अलकापुरी हिमनद है, ठीक है। गंगा हरिद्वार के निकट जो मैदानी भाग में दोस्तों हरिद्वार में जब पहुंचती हैं तब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी को दोस्तों जो है बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र को दोस्तों जो है बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? तो जैव विविधता जो शब्द है वो सबसे पहले जो है WG Rogan ने किया, ठीक है। कब? 1985 ईस्वी में, ठीक है, जैव विविधता का, ठीक है। और संकल्पना दोस्तों जो किया है वो E.O. Wilson ने 1986 में किया, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों तो शब्द का प्रयोग जो किया वो दोस्तों जो है वो किया है किसने? WG Rogan ने, ठीक है। कुछ और है जैसे कि मैंने आपको बताया कि A.G. Tansley ने दोस्तों जो है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। 1966 में दोस्तों जो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग 1866 ईस्वी में दोस्तों जो है प्रयोग किया गया है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है दोस्तों, इसका जो है DC में, Washington DC में मुख्यालय है। कहाँ पर? Washington DC में दोस्तों मुख्यालय है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इसमें आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका भी मुख्यालय यहीं पर है, Washington DC में ही है, ठीक है। और दोस्तों जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला में, याद रखिएगा। जब एशियाई की बात करेगा तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यहाँ पर दोस्तों जो है एशियाई बैंकों का है। लेकिन विश्व बैंक की बात करेगा Washington DC, और IMF की भी बात करेगा तो Washington DC, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो है Washington DC का जो अर्थ है वो उसमें जो DC का अर्थ है वो है दोस्तों, Washington तो जानते हैं जगह का नाम है, जो DC है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया है, याद रखेंगे, ठीक है, DC का जो अर्थ है।
नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, येन जो है किस देश की मुद्रा है? येन दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो जापान की मुद्रा है, लेकिन इसमें सर्बिया दोस्तों जो है ये इसका जो मुद्रा है वो सर्बिया दिनार, यही नाम हो जाएगा और आगे दिनार हो जाएगा, उसका जो मुद्रा है वो है दिनार, सर्बिया दिनार। और मेक्सिको की मुद्रा जो है वो है पेसो, क्या है? पेसो है, ठीक है। और थाईलैंड की जो है वो है बहत, ठीक है, पैसा बह रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 8 सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आ होगा। वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।